राजी हो जाएंगे। और इसके सबूत के लिए, प्रूफ के लिए इतना ही काफी है कि अलम यजिद का यतीमन फहवा, जब मैंने आपको यतीम पाया तो क्या आपकी परवरिश नहीं की। सूरह बनी इसराइल कुरान मजीद का 17वां सूरा, उसमें इरशाद परवरदिगार हो रहा है। गुफ्तगू का आगाज यहीं से कर रहा हूँ। आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज़्यादा ममनून हूँ कि आप हौसला अफजाई फरमा रहे हैं। इसीलिए मुझे भी थोड़ी सी कुव्वत और ताकत हो रही है कि एक दो बात आपके खिदमत में अर्ज करूँ। अजीजाने गिरामी, सूरह बनी इसराइल कुरान मजीद का 17वां सूरा, उसकी आयत नंबर 81 में इरशाद हो रहा है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुआ शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला खसारा। हमने कुरान को इस शान से नाजिल किया कि कुरान मोमिनों के लिए शिफा है, मोमिनों के लिए रहमत है, लेकिन जुल्म करने वाले अफराद के लिए यही कुरान नुकसान ही नुकसान है, घाटा ही घाटा है, खसारा ही खसारा है। यानी कुरान तो एक है, तासीरें दो हैं, मोमिन के लिए शिफा है, जालिम के लिए नुकसानदेह है। वो कुरान मजीद जो सूरह हम्द से शुरू है वन्नास पे खत्म है, उस कुरान की खासियत दो है, तासीरें दो हैं, एक मोमिन के लिए शिफा है, मोमिन के लिए रहमत है, लेकिन जुल्म करने वाले के लिए नुकसान ही नुकसान, खसारा ही खसारा, घाटा ही घाटा। अब मजहब नहीं बताया, फिरका नहीं बताया, मिल्लत नहीं बताया, कानून बताया, मोमिन के लिए फायदेमंद, मोमिन के लिए रहमत, जुल्म करने वाले के लिए नुकसान ही नुकसान, खसारा ही खसारा, घाटा ही घाटा। तो अब जाके आप तलाश करिएगा, ये होमवर्क है कि मोमिन कौन है, जालिम कौन है। हमने तो आपको बता दिया कि देखो मोमिन के लिए फायदेमंद है, मोमिन से हट के तिलावत करेगा खसारे में जाएगा, नुकसान में जाएगा, मोमिन तिलावत करेगा शिफा भी पाएगा, रहमत का भी सबब बनेगा। अजीजाने गिरामी, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं। लोग एतराज करते हैं करबला की खाक खाके शिफा कैसे हो गई, उसमें तो यजीद के लश्कर वाले भी दफन है। तवज्जो फरमाइएगा, अब ये कुरान जो सूरह हम्द से शुरू है वन्नास पे खत्म होने वाला है, तवज्जो फरमाइएगा, वन्नास पे खत्म होने वाला है। ऐ परवरदिगार, जब तुझे इस कुरान को मोमिन के लिए शिफा बनाना था, रहमत बनाना था, तो इसमें फिरौन का जिक्र क्यों किया, शद्दाद का जिक्र क्यों किया, हामान का जिक्र क्यों किया, अबू लहब का जिक्र क्यों किया, काफिरों का जिक्र क्यों किया। ऐ परवरदिगार, फिरौन के तस्करे को निकाल दे, शद्दाद के जिक्र को निकाल दे, नमरूद के जिक्र को निकाल दे, अबू लहब के जिक्र को निकाल दे, तो शायद आवाज कुदरत आए, नादान तुझे नहीं मालूम, मुझे एक सरजमीन को खाके शिफा बनाना है। लोग एतराज करेंगे, उसमें यजीद के लश्कर वाले भी दफनाए, तो मैं कुरान में काफिरों का जिक्र रखकर, नजासतों का जिक्र रखकर, मुनाफिकों का जिक्र रखकर, अबू लहब का जिक्र रखकर, हमान का जिक्र रखकर, शद्दाद का जिक्र रखकर यह बता रहा हूं, जिस तरीके से कुरान मोमिन के लिए शिफा है, रहमत है, उसी तरीके से करबला की खाक भी मोमिन के लिए शिफा है। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब लोगों ने कहा, भाई बात आपकी सही है, माने लेते हैं परवरदिगारे आलम, लेकिन कुरान की एक खासियत है। मैंने कहा क्या है, कहा भले से इनका जिक्र है, शद्दाद का, हामान का, नमरूद का, कारून का, फिरौन का, भले से इनका जिक्र है, लेकिन कुरान की तहारत इन पे गालिब आ गई, कुरान तहारत का समंदर है। तो मैंने कहा अगर कुरान तहारत का समंदर है तो करबला भी शहादत का समंदर है। ये दुरूद पढ़ दो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ान ग्रामी, तो कुरान शिफा, और आगे बढ़िए। अब सूरह नहल कुरान मजीद का 16वां सूरा, उसकी 68 नंबर की आयत में इरशाद परवरदिगार हो रहा है, वाओहा रब्बुका इलन नहल एनी तखजी मिनल जिबाले बुयूतों व मिनल शजरे मिम्मा यारशून सुम्मा कुली मिन कुल्ली समराते फसल की सुबला रब्बे के जुल्ला युखरे जो मिम बतूनहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुन फीहे शिफाउन लिन्नास। कुरान शिफा, कुरान शिफा, खाके शिफा शिफा।
फिर काहे के लिए कुरान कह रहा है शह शिफा। परवरदिगारे आलम सूरह नहल में इरशाद फरमाता है कि हमने शहद की मक्खियों पर वही की। थोड़ा सा जावेद भाई बढ़ा दें, बड़ी मेहनत से लगाया है। एक दुरूद पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो परवरदिगारे आलम ने क्या फरमाया? परवरदिगारे आलम ने फरमाया कि मैंने शहद की मक्खियों पर वही की। काहे की वही की? बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर, बड़े बड़े पहाड़ों पर, बड़े बड़े दरख्तों पर अपने छत्ते लगाए और फलों के फूलों के अरक को चूस के लेके आए। अब जो इसके शिकम से मशरूब निकलता है फीहे शिफाउन लिन्नास, तो ये मोमिनीन के लिए शिफा बन जाता है। तो परवरदिगारे आलम ने शहद की मक्खी पर वही की। क्या की? कि फलों पर फूलों से अरक को चूस के लेके आए, अब जो इसके शिकम से मशरूब निकलेगा वो फीहे शिफाउन लिन्नास, लोगों के लिए शिफा बन जाएगा। तो मोहम्मद के चमन के गुलिस्तान का फूल जिस सरजमीन पे मिल जाए वो खा खा के शिफा ना हो तो क्या होगी? ये दुरूद पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब शहद की मक्खियां बहुत तो जो चाह रहा हूं, एक एक चीजें मैंने कुरान से इस्तेमाल किया है। यह किसी वाकये का सहारा नहीं ले रहा हूं, यह कुरान है, हकीकत है कयामत तक के लिए। कुरान शिफा, खाके शिफा, शिफा शहद शिफा। तवज्जो फरमाइएगा। अब शहद की मक्खियों में और आम मक्खियों में बड़ा फर्क है। शहद की मक्खियां आप देख लें, बाजारों में जाकर, मार्केट में जाकर, नहरों पे जाकर, जंगलों में जाकर, बागात में जाकर, शहद की मक्खी नजासत पे नहीं बैठती, शहद की मक्खी गंदगी पे नहीं बैठती, शहद की मक्खी मलबे पे नहीं बैठती, शहद की मक्खी गलत जगह पे नहीं बैठती। आम मक्खियां नजासत पे बैठती हैं, आम मक्खियां गलाजत पे बैठती हैं, आम मक्खियां नजासत पे बैठती हैं, आम मक्खियां मलबे पे बैठती हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि शहद की मक्खियों का इमाम है, इनका कोई इमाम नहीं है। अब आप बताएं, जिसका इमाम ही ऐसा हो कि जिसकी विलादत का ना पता हो न वफात का पता हो, अब उस मसलक को देखेंगे या उसको देखेंगे कि जिसका दामन अमीरन मोमिनीन के दामन से वापस आओ? एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और आप जाके सूरह नहल उठाएं और देखें आयत नंबर 68 को और तफसीरों को उठा के देखें तो आपको मिलेगा इसका जो सरदार है शहद की मक्खियों का, उसका नाम भी यासूब है। जब इसका सरदार मरता है तो इजमा नहीं किया जाता, इलेक्शन नहीं होता है, बल्कि उसी सरदार की नस्ल से सरदार चुन लिया जाता है। अरे कुछ चीजें तुम्हें जानवरों से सीख लेना चाहिए, जानवरों से इबरत हासिल कर लेना चाहिए कि शहद की मक्खी को भी मालूम है कि सरदार की औलाद ही सरदार होती है, भगोड़े की औलाद हमेशा भगोड़े ही होती है। ये दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और ये शहद की मक्खी का सरदार अपने मस्कन पे बैठा रहता है, बस क्या देखता है, ये मक्खी आई गलत लेके आई है या सही लेके आई है, क्योंकि उसे शिफा बनाना है। गलत को नहीं पसंद करती है, अगर कोई गलत जगह से गलत माल ले आई तो फौरन डंक मार के उसे खत्म कर देती है। अब अगर मेरे मौला किसी अपने चाहने वालों की उंगलियां काट दे तो ताज्जुब नहीं है, यह अदालत का तकाजा है। इसे कहते हैं अली। अब फिर सूरह नहल की 67वीं आयत देखें, एक आयत पहले
परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है इन्ना लकुम फिल अनामे लइब्रतुन नुस्तीकुम मिम्मा फी बुतूनही मिन बैने फलसिन व दमिन लबनन खालसन सायगन लिश्शारबीन। हमने जानवरों के पेट में नसीहत रखी, जानवरों के शिकम में नसीहत रखी, जानवरों के पेट में नसीहत रखी। अय परवरदिगार इंसान अशरफुल मखलूकात है, तेरा कुरान कयामत तक के लिए मौजदा है, जानवरों से हमें नसीहत हासिल करने के लिए कह रहा है। कहा हां हमने जानवरों के पेट में नसीहत रखी। परवरदिगार जानवर के पेट में नसीहत क्या है? कहा एक तरफ हमने गोबर रखा, एक तरफ खून रखा, बीच में दूध रखा, बीच में दूध रखा। न गोबर का असर दूध पे पड़ा, न खून का असर दूध पे पड़ा, न दूध की तहारत का असर। इन दोनों नजिसों को पाक किया तो शिकमे जानवर जो है मिस्र कब्र के है ना, अब भी तो कोई कब्र तलाश करो जिसके दाएने भी नजासत, बाएं भी नजासत। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजों ये कुरान है, कुरान ये कुरान खाली कुरान ही नहीं है, फजाइले आले मोहम्मद का बहुत बड़ा हिस्सा है। जब आप इसके अंदर मोहब्बत अहले बैत का आईना लगा के पढ़ेंगे तो हर आयत आपको अहले बैत का कसीदा पढ़ती हुई नजर आएगी। तो कुरान शिफा, खाके शिफा, शिफा शहद शिफा। तो मालूम यह हुआ हमारे लिए कुरान शिफा, नबियों के लिए भी कुरान शिफा, आदम के लिए कुरान शिफा, नूह के लिए कुरान शिफा, मूसा के लिए कुरान शिफा, इब्राहिम के लिए कुरान शिफा, सारे नबियों के लिए 1,23,999 अंबिया के लिए कुरान शिफा। अरे पैगंबर इस्लाम सारे नबियों के लिए कुरान शिफा, आपके लिए क्या शिफा? कहा मेरा अमल देख लेना, एक दिन रिसालत अपने घर से निकली, बदन में जोख महसूस हो रहा था, दरे सैयदा पे आई और आने के बाद क्या कहा? बेटी मैं बदन में जोख महसूस कर रहा हूं। बेटी ने क्या कहा? मैंने आपको अल्लाह की पनाह में दिया। शहजादी ने बता दिया, पैगंबर ने बता दिया कि देखो सारे अंबिया के लिए कुरान शिफा, मेरे लिए दरे फातिमा शिफा। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ान ग्रामी शहजादी से जैसे ही कहा इन्नी ला अजदो बदन ज़ोफा, बेटी मैं बदन में ज़ोफ महसूस कर रहा हूं। शहजादी ने क्या कहा? इन्नी उइज़ुका बिल्लाह या बते मिन ज़ोफ, ऐ बाबा मैंने आपको अल्लाह की पनाह में दिया, मामला फंस गया। शायद आपके जहन में ना आया हो लेकिन मामला यहां आके फंस गया। आप कहेंगे कैसे? कुरान में बहुत सारे नबी ने अल्लाह की पनाह मांगी है, अल्लाह की पनाह मांगी है। अब आप देखें सूरह मोमिन कुरान मजीद का 40वां सूरा, उसकी आयत नंबर 27, काला मूसा इन्नी उस्तो बेरबी वरबुकुम मिन कुल्ले मुतकब्बिरिन ला युमिनु बियौमिल हिसाब। जनाब मूसा ने कहा मैं हर उस तकब्बुर करने वाले से अल्लाह की पनाह चाहता हूं जो अल्लाह और रोजे आखिरत पे यकीन नहीं रखता। तो जनाब मूसा ने क्या कहा? मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं। दूसरे मकाम पर क्या कहा? काला इन्नी औस बिका रबिका अय्या जरूर, मेरी बारगाह में शैतान हाजिर हो, मैं अल्लाह से पनाह चाहता हूं। जनाबे जनाबे नू सूरह हूद कुरान मजीद का 11वां सूरा, उसकी 47वीं आयत में इरशाद होता है काला रब्बे इन्नी औस बिका नसुलता माले साली बहिनिल। जनाबे नू कहते हैं कि परवरदिगार मैं हर उस शय के बारे में तुझसे पनाह चाहता हूं जिसका मेरे पास इल्म नहीं है। तो मूसा ने पनाह मांगी, नूह ने पनाह मांगी, पैगंबर इस्लाम ने पनाह मांगी। जनाब मरियम मख्तल में हैं, हम्माम में हैं, गुस्ल कर रही हैं, जिब्राइल अमीन आए, जिब्राइल अमीन आए। अब पढ़िए सूरह मरियम
قرآن مجید کا 19واں سورہ اور 20ویں آیت ملاحظہ فرمائیں قالت انی اعوذ بکا بالرحمن ان کنت تقیا اے آنے والے اگر تو پرہیزگار ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تو جناب مریم نے بھی پناہ مانگی جناب مریم نے پناہ مانگی اب سورہ مومن سورہ مومنون قرآن مجید کا 23واں سورہ اس کی 98 نمبر کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے قالا رب اعوذ بکا من حمزات الشیاطین میری بارگاہ میں شیطان آئے میں اس کی سازشوں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں پھر سورہ فلق میں ارشاد ہو رہا ہے قل اعوذ برب الفلق اے صبح کے پیدا کرنے والے میں تیری پناہ چاہتا ہوں قل اعوذ برب الناس اے لوگوں کے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں تھک گئے نا خاموش ہو گئے نا تو وہاں شہزادی نے کہا میں نے اللہ کی پناہ میں دیا سارے نبیوں نے کیا کہا میں نے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اے پیغمبر اسلام اے پیغمبر اسلام دست ادب کو جوڑ کے کہوں گا اے مرسل اعظم اگر آپ چلے جائیں گے آپ چلے جائیں گے تو کوئی پناہ کا ترجمہ نہیں بتا پائے گا کتنی وسیع ہے کتنی عریض ہے اللہ کی پناہ کسے کہتے ہیں اسی لیے مرسل اعظم نے کہا ایتینی بالکسائی یمانی بیٹی چادر تو لے آؤ غتینی بہی اڑا تو دو تاکہ زمانے کو بتا دوں کہ اللہ کی منع کسی اور چیز کا نام نہیں فاطمہ کی چادر ہی کو اللہ کی منع کہتے ہیں درود پڑھ دے محمد و آل محمد عزیزان گرامی قرآن شفا خاک شفا شفا شہ شفا اور در فاطمہ شفا عزیزو اور آخری چیز اس چیز کی ہے یہ آنسو شفا قرآن کس کے لیے شفا مومن کے لیے خاک شفا کس کے لیے شفا مومن کے لیے در فاطمہ مرسل اعظم کے لیے ہم محبان اہل بیت کے لیے شفا لیکن یہ آنسو حسین کے زخموں کا مرہم عزیزو آج 6 محرم ہو گئی خصائص حسینیہ میں علامہ تریحی لکھتے ہیں جنگ صفین ہو رہی تھی جنگ صفین ہو رہی تھی اس میں غازی ابو الفضل عباس بھی موجود تھے حسن مجتبیٰ بھی موجود تھے حسین شہید کربلا بھی موجود تھے جناب محمد حنفیہ بھی موجود تھے ایک مرتبہ محمد حنفیہ سے کہا بیٹا جاؤ قلب الاشرار جاؤ میمنے پہ حملہ کرو محمد حنفیہ نے میمنے پہ حملہ کیا لاشوں کے ڈھیر لگا دیے ایک مرتبہ پلٹ کر واپس آئے ساقی کوثر نے اپنے ہاتھوں سے جام پیش کیا زرہ دھوپ کی تپش کی وجہ سے جل رہی تھی زرہ پر پانی چھڑکا گلے سے لگایا پیشانی کا بوسا دیا کہا بیٹا جاؤ میمنے پہ حملہ کرو محمد حنفیہ گئے میمنے پہ حملہ کیا میمنے کو تہو بالا کر دیا واپس آئے پھر میرے مولا نے جام شربت پیش کیا بیٹا لو سبحان اللہ تم نے جو ہے بابا کی لاج لکھری اور اس کے بعد پھر قلب لشکر پہ بھیجا اور قلب لشکر پہ گئے تو وہاں بھی جو ہے مجمع کو تیتر بیتر کر دیا اب جو واپس آئے تو کچھ زخم لگے ہوئے تھے ایک مرتبہ کہا بیٹا اطمینان سے ساتھ دوائی اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ عزادارو آج 6 محرم ہے وہ علی اکبر جس نے زندگی میں کچھ نہ مانگا وہ جب حسین کے پاس آیا ہوگا اور کہا ہوگا بیٹا چند قطرے پانی دے دیجئے تو شاید حسین نے نجف کا رخ کیا ہو اور رخ کر کے آواز دی ہو بابا آپ نے محمد حنفیہ کو تو پانی پلا دیا تھا لیکن میں شبیہ پیغمبر کو نہ پلا سکا جزا تم ربکم خیر الجزا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے عزادارو مجلس سنا کرو اپنی زندگی کی آخری مجلس سمجھ کر اور مجلس پڑھنے والوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ مجلس پڑھا کرو زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے شہزادی کے رومال کو خالی نہ جانے دینا عزادارو عزادارو 3 مقام ایسے آئے جب جناب علی اکبر کی شہادت کے موقع پر کہ حسین
को बीवियों को सहारा देना पड़ा। आजादारों खुदा न करे कि किसी का जवान बेटा दुनिया से रुखसत हो जाए। आजादारों एक मतवा में लैला ने तैयार किया, कैसे तैयार किया, गले में कफनी डाली, गरीबान चाक कर दिया, अमामा तहतुल हनक वाला बनाया और बनाने के बाद कहा जाओ बेटा अब बाबा से इजाजत ले लो। आजादारों रवायत में मिलता है कि जब शबीह पैगंबर को हुसैन ने इस अंदाज से देखा, अरे गले में बाहें डाली लेकिन बाप का जिगर का सबर न पाए, जमीन में बैठ गए, अरे बीवियों ने सहारा दिया। आजादारों दूसरा मौका वो आया, तारीख लिखती है कि जब शबीह पैगंबर हमला करते करते प्यास की शिद्दत से बाबा के पास वापस आए और कहा बाबा अगर चंद कतरे पानी के मिल जाते तो इन यजीदियों को मौत का मजा चखा देता। आजादारों हुसैन क्या करता, करबला के मैदान में जुमला कहा बेटा मदीना नहीं है मंजिले इम्तिहान है, अगर मदीना होता तो पानी मिलाता, जाओ अपने बाबा साथी कौशल से पानी पीना, लेकिन जुमला को कह दिया हुसैन सबर न सके, निगाहों के सामने अंधेरा छा गया, जमीन पर गिर गए, अरे बीबियां आई सहारा दिया। अब जनाबे सकीना का जुमला सुनिए, जनाबे सकीना कहती है, जनाबे सकीना कहती तीसरा वो मौका है कि जब मेरे बाबा को मस्तूरात का सहारा लेना पड़ा। कहा वो कौन सा मौका, कहा जब मेरे भाई ने कहा अरे बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल करिए, तो मैं करीब पहुंची तो क्या देखा, अरे मेरे बाबा की आंखें बिल्कुल सफेद हो गई, जैसे रूह जिस्म से परवास कर गई हो। आजादारों हुसैन ने एक मर्तबा समझे, कुछ दूर घुटनियों से चले और उसके बाद संभल कर खड़े हुए, एक मर्तबा मैदान में आए, आवाज देते जाते थे नायना अली अकबर, अली अकबर कहां हो मुझे आवाज दो। आजादारों अली अकबर के करीब पहुंचे, रुखसारों पर रुखसारा रख दिया। अब उलमा कहते हैं शायद इसलिए रखा हो कि देखें अभी रुमक़े हयात बाकी है कि नहीं, या शायद मोहब्बत पेदारी ने एक मरतबा जोश लिया हो और कहा ना आखिरी बार वो पाले हो। जजा तुम रब तुम खैर जजा, खुदा आपको कोई खम ना दे सदाए हमें मजलूम कर बला के। अदादारों फिर हुसैन कहते हैं बेटा सीने पर हाथ क्यों रखे हो, कहा बाबा सीने में जख्म है, एक नैदा धराया है। एक मतवा हुसैन ने कहा बेटा सीने से हाथ हटाओ। अदादारों आप सब साहेब औलाद हैं, जरा तसव्वुर कर लीजिए करबला की जलती हुई जमीन जिस पे दाना डाल दिया जाए भुन जाए, उस पे अली अकबर पड़े हुए हैं, एक मतवा रुखसार पे सार को जानू पे रखा, कहा बेटा सीने से हाथ हटाओ। अब जो हटाया तो क्या देखा, नैजा टूट चुका है, नैजा टूट चुका है। एक मतवा हुसैन ने अपने घुटनों को जमीन पर टेका, जमीने करबला पे टेका, उंगलियों से एक मतवा नैजे की अनी को पकड़ा, नैजे की अनी को हिलाया, अली अकबर का बना हुआ जिगर हिला, अली अकबर के बने हुए जिगर का हिलना था, अली अकबर का जनाना हिला, जनाजे का हिलना था, जमीने करबला हिले। एक मातो आया अली कहता जो बाजी की अनी निकाली तो बाजी की अनी के साथ अली अकबर का कलेजा निकल आया। अली अकबर के जिगर से बाजी का फल निकालना मुश्किल था। सयालम लजीना जलम अय्यामन कलबी यनकलबून बरला बिहक जहरा वाबीहा ववालिहा वबनीहा। परवरदिगार आसमान को रुमाल सैयदा ने लिखाया है फरमा, परवरदिगार आरबी की दिली हाजात को पूरा फरमा, जो भी अदादारी में लगे हुए हैं परवरदिगार तुझे इसी अदादारी सैयद शोदा का वास्ता उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमारी सदादारी को शहजादी है कौन की बारगाह में शरफ कबूलियत नायब फरमा,
امام کے ظہور کی تعریف فرما, ہم سب ان کے اعمال صالحہ شمار فرما, وتقبل منا.